हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। अगर आप एक्सेस पढ़ते हैं, क्लास 8 है आपका, क्लास 7 है या क्लास 9 है या क्लास 10 है, तो शायद एक्सेस आपको पढ़ाया जाता होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहा हूं, तो एक्सेस के जो भी एसक्यूएल कमांड है, आज के इस वीडियो में सारे एसक्यूएल कमांड्स को लगभग हम जानेंगे और समझेंगे इसको कि कैसे यूज करना है, कैसे हमारा क्या होगा, सारी बातों को आज बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में यही खास है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास 2007 है तो आप 2007 ही ओपन कर लीजिएगा, अगर आपके पास 2021 है या कोई और भी वर्जन है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। सुविधा के लिए मैं आपको 2007 पे ही दिखा रहा हूं, ताकि जिन लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 हो उन लोगों को भी ये बात समझ में आ जाए। तो जैसे ही एक्सेस ओपन होता है तो इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये याद रखिएगा। इसमें कीज का फैक्टर काम करता है, ठीक है। इसमें किसका फैक्टर काम करता है, कीज का फैक्टर काम करता है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पे चलेंगे, और अगर आप बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो उसमें कोई की नहीं होती है, ठीक है। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक स्प्रेडशीट है और यहां पर ये डेटाबेस है। तो यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक करके इस टेबल को भी क्लोजर कर देंगे हम, और यहां से क्रिएट पे जाएंगे और यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर। ये जो क्वेरी डिजाइन दिख रहा है, जो कि आपको क्रिएट वाले टैब में मिल रहा है, तो यहां पर क्वेरी डिजाइन पे चलिएगा, एक टेबल ओपन होगी। ये लिखा हुआ है शो टेबल, देख रहे हैं, तो इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करते ही आपको यहां पर नजर आएगा एसक्यूएल, तो इस एसक्यूएल पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर यह सिलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको भी आपको क्या करना है, हटा देना है। इसको हटा देने के बाद सबसे पहला काम, हमारा डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस 320 के नाम से ये डेटाबेस बन गया है। एक्सेस के अंदर ये खास बात है, आराम से ये डेटाबेस आप सीधा सीधा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहां है कि हमें क्रिएट, पहले जो कमांड है क्रिएट, उसका यूज सीखना है। तो एक्सेस के अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं इसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए एक्सेस के अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं। अब कौन कौन से कमांड होते हैं आपको, एक तो क्रिएट दिखाई ही पड़ रहा होगा, ये क्रिएट भी एक कमांड है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे कमांड एक्सेस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो क्रिएट एक डीडीएल कमांड है। एक्सेस में कमांड्स के कितने टाइप हैं, चार या पांच टाइप हो सकते हैं। तो देखिए पहला डीडीएल है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा डीएमएल है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा डीसीएल है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। चौथा टीसीएल है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और पांचवा DQL है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो अभी जो क्रिएट है ये एक DDL कमांड होता है और हम इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक टेबल हम बना रहे हैं, तो क्रिएट लिख करके टेबल बनाएंगे और यहां लिख देंगे टेबल। तो टेबल एक कीवर्ड है, जिससे ये पता चलेगा कि यहां पर टेबल ही बनानी है, और इस टेबल का क्या नाम होगा वो आपको यहां पर देना है। तो सपोज कीजिए मैं यहां पर नाम दे देता हूं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नाम दे दिया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहां पर जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो आएगी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी लिख देते हैं। आईडी तो सिंपली ऐसे लिख दिया है मैंने आईडी, और इसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना है, तो इंट टाइप का डेटा टाइप है। और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट नल, नॉट नल यानी खाली नहीं छोड़ सकते इस फील्ड को। प्राइमरी की, प्राइमरी की, प्राइमरी की बना देने से ये होता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता इस फील्ड में, यानी आईडी नाम की जो फील्ड है उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होगी ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। फिर कॉमा लगाइएगा, फिर यहां करिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये कर देते हैं नेम, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, गैप एक्सेप्ट नहीं करता है, अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा हमारा वेयर केयर। तो यहां मैंने लिख दिया है वेयर केयर, और साइज कर दिया है 50, ठीक है। कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाने के बाद इसकी प्राइस की बात आएगी, तो यहां प्राइस लिख दिया है। और आप यहां पर चाहे तो करेंसी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज जो है माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन यहां पर अलाउ हो सकती है, एक बार चेक करते हैं। तो यहां पर करेंसी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लिया है। अब क्या करना है, अब यहां पर हमें क्वांटिटी देनी है, तो यहां पर लिख देते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हो गया, और क्वांटिटी को हम फ्लोट डेटा टाइप रखेंगे, फ्लोट यानी कि ये डेसिमल वैल्यू भी कंटेन करेगा। कॉमा देंगे, और कॉमा देकर के अब मान लीजिए और कुछ नहीं देना है, तो अब इसको बंद करके और यहां से टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट करने से यह फायदा होगा कि अब ये लाइन खत्म हो गई, मतलब ये टेबल में इतनी ही चीजें आएंगी ये पता चल जाएगा।
अब हमें क्या करना है, इस जो रन दिख रहा है आपको, रन के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर टेबल बन गई है हमारी। ये देख सकते हैं जो जो फील्ड हमने डाला था वो चीजें यहां पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो चीजों को, ठीक है। कैसे इंसर्ट कराएंगे, क्या क्या होगा, उसको देख लेना जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये जो क्वेरी लिखी थी। अब एक बार टेबल बन गया तो फिर क्वेरी की भी क्या जरूरत है, ये क्वेरी आप चाहे तो हटा सकते हैं। अब इसी में दूसरा यानी कि इंसर्ट करने के लिए क्वेरी लिखेंगे रिकॉर्ड को, तो यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू इस तरीके से, और टेबल का नाम तो प्रोडक्ट है, ऊपर दिख ही रहा है आपको, तो यहां पे प्रोडक्ट के अंदर इंसर्ट करना है। और अब फील्ड नेम आएगा, तो फील्ड नेम के लिए जरूरी है कि हम देख लें कि क्या क्या फील्ड है। तो आईडी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस है, तो जो जो फील्ड है वो फील्ड का नाम आप दे दीजिए। तो आईडी हो गया, फिर यहां हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, और नेम ऑफ प्रोडक्ट के बाद कॉमा लगा दीजिए, और कॉमा लगाने के बाद यहां पर प्राइस की बात आएगी और फिर क्वांटिटी की बात आएगी। तो ये हो गया प्राइस, पी आर आई सी ई प्राइस कॉमा क्वांटिटी क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, तो ये हो गया क्वांटिटी। अब इसको बंद करके एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर अब वैल्यूज डालनी है इसमें, तो यहां पे आप वैल्यूज डाल दीजिए। तो ये हो गया वैल्यूज, और वैल्यूज लिख करके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। यहां पर प्रोडक्ट आई डी 1 दे दिया हमने मान लीजिए, और यहां पे कॉमा लगा दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब चूंकि नेम ऑफ प्रोडक्ट टेक्स्ट में होगा, तो यहां पर जो है इसको डबलटेड कॉमा या सिंगलटेड कॉमा में रखना जरूरी है। तो सपोज कीजिए यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, एम ओ यू एस ई माउस लिख देता हूं, कॉमा देता हूं। अब इसकी प्राइस आएगी, तो प्राइस मान लीजिए है 180 रुपए, तो यहां 180 डाल दिया। अब जो भी नंबर होगा उसको आपको सिंगलटेड कॉमा या डबलटेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख देंगे तो एरर आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब माउस मान लीजिए यहाँ पे 50 की बात हो रही है, 50 माउसेस की, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट करना यानी सेमीकोलन दे देना है, और ये ध्यान रखना है कि ये टेबल क्लोज रहेगी, टेबल ओपन नहीं रहेगा, क्लोज हो जाएगा, और तब इसको यहां से डिजाइन पे जाकर रन करवाना। ये रन का बटन आपको दिख ही रहा होगा, रन करवाएंगे तो ये कहेगा यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो बस यहां से ओके कर दीजिएगा। एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बार बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्या करना है, खाली वैल्यूज में चेंज करना है। तो यहाँ पे 2 कर दिया, और यहां पर आए तो इसको हटाएंगे, यहां पर कर देंगे कीबोर्ड, के ई वाई बी ओ ए आर डी, तो ये हो गया कीबोर्ड। और यहाँ पे 180 रुपए प्राइस है, तो इसको हम कर देंगे 380 रुपए, और यहाँ पे 50 नहीं बल्कि 100 कीबोर्ड्स की बात हो रही है, तो यहाँ 100 कर दिया हमने। बस ये लिख करके फिर इसको रन कराने की जरूरत है, तो बस यहाँ से आप रन करा दीजिए, ये दूसरा रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। देखिए यू आर अबाउट टू अपडेट वन रो कह रहा है, तो ये दूसरा रो भी अपडेट, फिर यहाँ से तीसरा रिकॉर्ड भी चाहिए, तो यहाँ 3 कर दीजिए, और यहाँ कीबोर्ड की जगह कुछ और रख देते हैं, जैसे यहाँ कर देते हैं CPU, यानी CPU कर दिया हमने, और यहाँ पे कर देते हैं 30 CPU की बात करते हैं, और यहाँ पे जो प्राइस है वो रख देते हैं 31,000, ठीक है। तो ये हो गया 31,000 यहाँ पे लिख दिया है हमने, और अब फिर इसको भी रन कराने की जरूरत है, तो यहाँ पे तीसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट होता हुआ नजर आएगा। अब ये तीनों रिकॉर्ड्स तो इंसर्ट हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टोटल भी करना है, तो ये टोटल कैसे होगा ये भी देखने वाली बात है। तो अभी हमारे पास टेबल तो बनी चुकी है, तो क्या इस क्वेरी को मिटा देने से कोई फर्क पड़ेगा, चलिए एक बार हटा देते हैं क्वेरी को, इस क्वेरी को ही क्लोज कर देते हैं यहां से, ये क्लोज कर दिया हमने, तो क्या कोई फर्क पड़ा है हमारे टेबल पे, देखिए टेबल तो जस का तस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट से एक और क्वेरी बनाएंगे, तो अब टोटल के लिए क्वेरी बनाएंगे, तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और फिर इसको क्लोज करके फिर वही SQL पे चलेंगे, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सेलेक्ट क्या क्या करना है, तो यहाँ से आप मैच कर लीजिए, आईडी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, तो पहले यहाँ पे सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम ऑफ प्रोडक्ट नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये भी कर लीजिए, और ये करने के बाद कॉमा लगाइए, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी भी देनी है, तो यहाँ पे दे दीजिए पी आर आई सी ई प्राइस कॉमा क्वांटिटी क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, ये हो गया प्राइस और क्वांटिटी, ब्रैकेट को क्लोज कर दी, सॉरी यहां पर ये हो गया, अब ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहां पर ये सारी चीजें सारी डिटेल दिखेंगी, और यहां पर एक काम और करना है हमें, यहां पर कॉमा लगा देना है, और कॉमा लगा करके प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया प्राइस और मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी करते हैं क्यू यू ए एन टी आई टी वाई,
तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और इसको एक नाम दे देते हैं एज टोटल प्राइस, टोटल अंडरस्कोर पी आर आई सी ई प्राइस। तो ये हो गया टोटल प्राइस, करूंगा कंट्रोल वी करके। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये यहां पे गैप भी रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, प्राइस के बाद ये दोनों के बीच में गैप रहेगा। और अब जब इसको आप चलाएंगे ना तो ये रन हो जाएगा, और रन होने के बाद देखिए टोटल प्राइस भी आने लगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ आप ये कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। अब इसमें टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी MySQL के अंदर आपको क्वेरी लगाने की वेज बता रहा हूं मैं, कितने तरीकों से आप क्वेरी लगा सकते हैं। अब यहां पर आते हैं तो देखिए यहां पर तो आपको सिर्फ क्वांटिटी ही मिलेगा, अब इस क्वेरी का महत्व तो बढ़ गया क्योंकि यहां पे कैलकुलेट कर लिया गया। तो यहां पर अब इस क्वेरी को सेव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहां पे कैल्क नाम से सेव करता हूं इसको, और कैल्क नाम से सेव करके और यहां पे रखता हूं। अब जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्वेरी भी आपको नजर आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेरी के थ्रू ये बन गया। अब क्या इसमें हम कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने क्वेरी लगाई है तो इससे ये बना हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं ना। लेकिन क्या इसमें चेंजेस करके और भी कुछ हम कर सकते हैं, तो इस क्वेरी को हम क्लोज करते हैं और फिर यहाँ पर एक न्यू क्वेरी बनाते हैं, और न्यू क्वेरी बनाने के लिए क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और टोटल प्राइस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमा लगा देंगे एक बार, और यहाँ टोटल प्राइस में से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये लिखा टोटल अंडरस्कोर पी आर आई सी ई प्राइस, और टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स से, ठीक है। टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स से, टैक्स कितना परसेंट है, तो यहां पर अगर मान लीजिए टैक्स 5% का कैल्क से यानी क्वेरी से, तो सी ए एल सी कर देंगे यहां पे, और ये करके और तब इसको चला देंगे। तो यहां पे देखेंगे कि ये जो है ये फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं है, एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए ये यहां पर जो है इस तरीके से आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो चूंकि हमें फॉर्मेट चाहिए परसेंटेज का, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर एसक्यूएल व्यू पे मैं आया हूं, और यहां पर इसको 100 से डिवाइड भी कर देंगे, तो डिवाइड बाई 100 जब कर देंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा, यानी टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर टैक्स भी कैलकुलेट हो गया है, यानी सारी चीजें अदर जो कमांड है, जो कि अल्टर है, रीनेम है, एड है, मॉडिफाई है, डिलीट है, इन सब कमांड्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल उन्हीं की चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से यहीं तक रख रहा हूं इसको। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं कैलकुलेशन वाली, क्वेरी में कैसे कैलकुलेट करना है आपको, ये सब चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।